अच्छा गुरु जी, कल आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि भगवान शंकर औघड़ दानी हैं। तो इस शब्द का क्या अर्थ हुआ? औघड़ का मतलब निरंतर दान करने वाला, औघड़ का मतलब बिना सोचे समझे देने वाला। जो उनके दरवाजे पे आ जाए उसको मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान शंकर उसकी स्थिति देख करके दान कर देते हैं। दान दिए दिन रात दान करते रहते हैं भगवान शंकर। तो भगवान शंकर जो हैं वो औघड़ दानी हैं। औघड़ दानी यानी सबको जो भी आए वो सोचे कौन क्या पात्र है कौन नहीं है, इसे नहीं सोचते। जो मेरे दरवाजे पर आया उसको बिना अंधा होकर के दान करते हैं, खूब दान करो, कोई आदमी भूखा ना जाए, नंगा ना जाए किसी तरह। तो भगवान शंकर ही ऐसे देवता हैं जो बिना मांगे दान करते हैं। सिर्फ वो देख लेते हैं भक्त जो मेरे पास आया उसके पास कमीज नहीं है, तो अगले दिन कहीं से कमीजें मिल जाएंगी उसको। उन्होंने देखा कि आज भक्त आया था मेरे पास जल चढ़ाने के लिए, उसके पास जूते नहीं थे, तो अगले दिन जूते ही जूते मिल जाएंगे उसको। तो भगवान शंकर बिना मांगे दान करते हैं और निरंतर दान करते हैं। जो आप मांगोगे उससे भी ज़्यादा आपको दान करते हैं। तो औघड़ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अपार, अंधा होकर के दान करने वाला। और गुरुजी, कमाल की चीज़ ये है कि भगवान शंकर सबको सब कुछ देते चले जाते हैं और उनकी जो अपनी ज़रूरतें हैं वो सबसे कम हैं। बहुत साधारण जगह पे रह लेंगे, बहुत साधारण से भोग उनको लगते हैं, ये अजीब चीज़ है। जब समुद्र में से मंथन रतन निकले तो जहर की ज्वालाएं इतनी थी कि सब भाग गए वहाँ से। तो जो रतन निकल लेते भगवान शंकर अपने पास रख लेते। संसार के अंदर अपार जो संसारिक लोग हैं वो ये करते हैं कि सबका माल लूट करके मैं अपने पास रख लूं, और जो देता है दूसरों को देता रहता है, निरंतर देता रहता है। हमारी संस्कृति में वही महान माना गया है। भगवान शंकर सबको, कल भी हमने उसका रहीम का सुनाया था कि रहीम हमेशा देते थे कि मेरा नाम मत लेना, उसका नाम लो। तो भगवान शंकर भी सबको, समुद्र में से जो भी निकलता गया, समुद्र का मंथन किया, शंखचूड़ जो था वो ले गया था समुद्र, वेदों को भगवान शंकर ने शंखचूड़ को मारा, वेद ले आए छीन करके, लेकिन अपने पास नहीं रखे, ब्रह्मा जी को दे, लो जी ब्रह्मा जी आप वेद ले लो। फिर जब मंथन शुरू हुआ तो समुद्र में से सुदर्शन चक्र निकला, विष्णु जी को दे दिया, ले जाओ। फिर लक्ष्मी निकली, षोड़शी कन्या थी, विष्णु को दे दी, तुम ले जाओ सारे के सारे। तो ऐसे लोगों के बारे में ये माना जाता है, इंतहा उसके ज़र्फ की मत पूछ, वो आदमी कितना महान होगा इसका वर्णन हो ही नहीं सकता। आप किताबों की किताबें लिखे जाओ, किताबों की किताबें लिखे जाओ, उस आदमी की महानता किसकी, कि खुम पिला कर के तृष्णा काम रहे, खुम रखा हुआ, मटका रखा हुआ शराब का, और कोई आदमी प्यासा न रह जाए, उसको खुम का खुम, मटका का मटका पिला दिया और ख़ुद प्यासा बैठा रहा। तो ऐसे आदमी की महानता का वर्णन दुनिया कोई नहीं कर सकती, आजकल कोई शायर नहीं कर सका। भगवान शंकर वही हैं, औघड़ दानी। मेरे पास से कोई आदमी निराश नहीं जाना चाहिए। जो देव जो आ गया उसे दे दो, और जो मांगे अपने, और कुछ नहीं तो अपने शरीर के कपड़े भी उतार के दे दिए, दिगंबर वेश हो गया सारा। तो इसलिए औघड़ दानी है भगवान शंकर। अच्छा गुरु जी, इन्होंने ये कहा है कि कोई औघड़ पीर भी होता है शब्द, तो औघड़ पीर भी वही होते हैं कि जो अपने शरीर की चिंता नहीं करते, बस भगवान की तरफ ध्यान लगी उनकी, परम सत्य के शरीर को कुछ खाने के लिए मिले या ना मिले, बढ़िया माल नहीं चाहिए, बल्कि ये जब पेट भरना नहीं भरेगा, नहीं मिलेगा तो भूखे रह जाएंगे। बस ये है कि जो मिल जाए, जैसी भी चीज़ मिल जाए, अच्छी मिल जाए बुरी मिल जाए, उससे अपना पेट भर लेते हैं। कपड़े मिल गए तो पहन लिए, नहीं तो फटे हुए कपड़ों में घूम रहे हैं। फटे हुए कपड़े भी नहीं मिले तो कई बार नंगे ही घूमते हैं, लंगोटी लगाई हुई है। तो ये औघड़ पीर ऐसे होते हैं सारे के सारे, लेकिन दूसरों की पीड़ा हरने वाले होते हैं सारे। पीर हैं इसलिए उनकी पीड़ा हरेंगे, लेकिन अपने शरीर की कोई चिंता नहीं करेंगे। तो औघड़ पीर हैं, भगवान शंकर भी ऐसे ही औघड़ हैं।